सीजन की शुरुआत एक टी20 सीरीज के साथ साउथ अफ्रीका बनाम भारत और एक मौका दोनों टीमों के लिए तैयारी करने का वर्ल्ड कप। एक साल बचा है टी20 वर्ल्ड कप। हेलो एंड वेलकम टू डीप पॉइंट। साउथ अफ्रीका के साथ होम सीजन की शुरुआत टी20 से और क्या मौका है ये कि दोनों टीमें जो हैं अपने अभी तक टीम सेट नहीं हुए हैं, अभी भी चुन रहे हैं कॉम्बिनेशन क्या होगा, प्लेयर कौन से ठीक हैं, इससे बेहतर मौका नहीं मिल सकता। हम इस पूरे डिस्कशन को, इस पूरे प्रीव्यू को दो प्रोग्राम में भाग में बांट लेंगे। एक हम बात करेंगे साउथ अफ्रीका, एक इंडिया। इंडिया हम कल बात करेंगे, पहले बात करते हैं साउथ अफ्रीका की। देखिए साउथ अफ्रीका, ये न्यू लुक साउथ अफ्रीका साइड है। इमरान ताहिर रिटायर हो गए, ABD Villiers रिटायर हो गए, हाशिम आमला रिटायर हो गए। उसके अलावा फैफ डुप्लेसी और डेल स्टेन दोनों इस सीरीज में नहीं अवेलेबल, तो ये पांच दिग्गज खिलाड़ी अवेलेबल नहीं है। कप्तान भी नए हैं क्विंटन डीकॉक, और कप्तान ने एक बात कही इंडिया में आने से पहले कि वी आर रेडी फॉर द वर्स्ट। जी हाँ, कुछ लोग जरूर कहेंगे कि काफी नेगेटिव स्टेटमेंट है, लेकिन मैं इसको इस तरीके से देखूंगा कि ये बता दिया अपने टीम को, जो यंग टीम है, यंग तो नहीं कहूंगा इनएक्सपीरियंस्ड जो टीम है, कि भैया आप खुल के खेलो, फियरलेस क्रिकेट खेलो, जो होगा देखा जाएगा, हारेंगे जीतेंगे जो होगा देखा जाएगा, वी आर प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। तो ये मैं स्टेटमेंट जो है काफी हद तक मैं पॉजिटिवली ले रहा हूँ इसको, कि अच्छी तरीके से बता अपने टीम को कि फियरलेस क्रिकेट खेलो। टीम पे नजर डालते हैं। पहले शुरू करते हैं कप्तान डीकॉक से। पहली बार जो है कप्तानी कर रहे हैं, कप्तानी का भार संभाल रहे हैं और सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर है। लेकिन इस टीम में एक और खास बात यह है कि इस टीम में से सात लोग पिछले 3-4 हफ्ते से भारत में ही हैं। इंडिया ए के खिलाफ साउथ अफ्रीका ए के बीच में एक ए सीरीज था, वन डे क्रिकेट, 4 मैचेस, 5वां शायद बारिश के कारण नहीं हुआ। तो ये 7 प्लेयर कम से कम भारत में ही रुके हुए हैं पिछले 1 महीने से, तो वो जो है फेमिलियरिटी हो चुकी होगी, जो क्योंकि ये नई टीम है, याद रखें काफी नए लोग हैं इस टीम में। और इस टीम का अगर कोई स्ट्रॉन्ग सूट है, मजबूत पक्ष है, तो मेरे हिसाब से बॉलिंग है, क्योंकि वहां पे रबाडा है। रबाडा के अलावा शमसी एक और विकेट टेकिंग बोलर, है, शायद काफी लोग आप नहीं जानते होगे, एंड्रिक नॉर्डिये करके, NORTJE, शायद इसी तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है उनके नाम को। तेज गति से डालते हैं, ये उनकी खासियत है कि बहुत तेज बॉल डालते हैं, और सबसे बेहतरीन इकोनॉमी रेट उनका है, 6.5 का है इकोनॉमी रेट टी20 क्रिकेट में उनके पास। वर्ल्ड कप में स्क्वाड में भी थे लेकिन चोट के चलते वर्ल्ड कप नहीं खेल पाए थे, वो मौजूद हैं। उसके अलावा फास्ट बॉलिंग के तो ऑप्शंस हैं, ब्यूरन हेंड्रिक्स हैं बाएं हाथ के तेज गेंदबाज, विविधता हैं, लेकिन स्पिन जो है शमजी के अलावा नए गेंदबाज हैं। जॉर्ज लिंड एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, वो भी इंडिया ए के खिलाफ खेले हैं हाल ही में, वो बॉलिंग ऑलराउंडर है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, लेफ्ट हैंड बैट्समैन भी है। बैटिंग में उनका स्ट्राइक रेट 140 का है, एवरेज 20 से कम, तो लोअर ऑर्डर बैटिंग करते हैं। और गेंदबाजी वो जैसे लेफ्ट आर्म स्पिनर्स होते हैं, फिंगर स्पिनर्स होते हैं, कि काफ़ी टाइट गेंदबाजी करते हैं, ये खासियत है। इसके अलावा उनके पास एक और स्पिनर है जिनका नाम पियोन फॉर्चून है, दाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं, बाएं हाथ से बॉल करते हैं। तो ये तो बॉलिंग रहा, अब बैटिंग की तरफ रुख करें। देखें एक चीज़ बहुत सोचने वाली बात है, वो ये कि वेन्यूज कौन से हैं। तो एक बार आपको हम बताते हैं वेन्यूज कहाँ कहाँ पे हैं, वेन्यूज एक देख लें क्योंकि बहुत जरूरी है। आपने अगर वेन्यूज अब तक देख लिए हैं तो वहां पे 3 जो वेन्यू हैं, पहले धर्मशाला, मोहाली, चिन्नस्वामी। और इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि तीनों हाई स्कोरिंग ग्राउंड्स है, ऐसे पिचेस हैं जहां पे बॉल बैट पे आता है, और इस कारण बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी आप सब कॉन्टिनेंट के बाहर जो भी टीम आती है, अगर वो पसंद ऐसे पिचेस पे करती है जहां पे बॉल बल्ले पे आता है, तो इसके कारण मुझे लगता है कि जो बैटिंग ऑर्डर, उनका जो बैटिंग लाइनअप है, थोड़ा सा इमेच्योर है, थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस्ड है, ये कहूंगा। लेकिन क्योंकि सर्फेसेस ऐसे हैं, वेन्यू ऐसे हैं, तो देख के लग रहा है कि उसमें उनको फायदा ही हो सकता है। डीकॉक सबसे इम्पोर्टेंट, वैंडर डूसन को हम देख चुके हैं वर्ल्ड कप में, मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है, क्योंकि उनके पास सारे गियर हैं, साथ में स्पिन भी अच्छा खेलते हैं, वो बहुत जरूरी है। अगर आप भारत में आके खेल रहे हैं तो स्पिन के विरुद्ध कैसे बल्लेबाजी करते हैं बहुत जरूरी है, और वो काबिलियत है वैंडर डूसन में।
काफी कुछ निर्भर करेगा डेविड मिलर पे भी, क्योंकि उनके पास वो एक्सपीरियंस है इंडिया में खेलने का, और क्योंकि वेन्यूज ऐसे हैं जहां पे बैट पे आती है बॉल, तो शायद वो सुविधा होगी डेविड मिलर के लिए जिस तरीके के बल्लेबाज है, क्योंकि आईपीएल में हम देख चुके हैं अच्छे पिचेस पे जहां पे बॉल आती है तो खुल के खेलते हैं, अच्छा खेलते हैं, लेकिन जहां पे थोड़ा रुक के आता है, टर्न होता है, डेविड मिलर फिर चारों खाने चित। लेकिन वेन्यू को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है डेविड मिलर भी काफी इंपॉर्टेंट होंगे। उसके अलावा एक और ओपनर है रीजा हेनरिक्स, एक ऐसे ओपनर हैं जो वर्ल्ड कप में जिनको जाना चाहिए था इंग्लैंड में, लेकिन क्योंकि हाशिम आमला सीनियर प्लेयर हैं और इतने दिग्गज हैं, नहीं जाने का मौका मिला। यहाँ पे मौका मिल रहा रीजा हेनरिक्स को। रीजा हेनरिक्स भी इंडिया ए के खिलाफ खेला उन्होंने इस 50 ओवर के मैचेस, चार उसमें से एक शतक भी बनाया है उन्होंने, तो अच्छे फॉर्म में है रीजा हेनरिक्स। ओपन करते हैं, आक्रामक बल्लेबाज है, अटैकिंग बल्लेबाज है रीजा हेनरिक्स, तो ये एक और इम्पॉर्टेंट बल्लेबाज उनके लिए। काफ़ी सारे ऑलराउंडर्स हैं, खासकर दो ऑलराउंडर जिनको आप पहले भी शायद देख चुके हैं, एक है एंडी ले फेकलुक वायो, तेज गेंदबाज करते हैं, सीम अप करते हैं, और एक जिनको आपने शायद वर्ल्ड कप में देखा जरूर होगा, प्रिटोरियस। प्रिटोरियस इज अ बेटर ऑलराउंडर देन फेकलुक वायो इन माई ओपिनियन, बट ऑब्वियसली उनका सिस्टम अलग है, इतने नंबर ऑफ कलर्ड खिलाने पड़ेंगे प्लेइंग 11 में, तो कभी कभार वो प्रिटोरियस फिर को मौका नहीं मिलता, लेकिन मुझे लगता है वो बेटर हैं। अब ये है कि साउथ अफ्रीका का स्ट्रेंथ ये है कि अननोन कमोडिटी है, काफ़ी नए प्लेयर्स हैं, तो उनके खिलाफ जो भारतीय बल्लेबाज या गेंदबाजों को थोड़ा तो वक्त लगेगा कि जज करना, क्योंकि उतना ज़्यादा फुटेज होगा नहीं, उतना ज़्यादा खेले नहीं होंगे उनके खिलाफ ज़्यादातर गेंदबाजों के खिलाफ या बल्लेबाजों के, तो वो एक ड्रॉबैक रहेगा और वो पॉजिटिव रहेगा साउथ अफ्रीका के लिए। और एक पॉजिटिव ये है कि सबको वो भूख होगी, वो हंगर होगा कि भैया जगह बनानी अपनी यहाँ पे इस टीम में, सामने वर्ल्ड कप है तो मजा आएगा। ये तो साउथ अफ्रीका का था। और एक और थोड़ा सा मेरा असेसमेंट उनके बैटिंग के ऊपर ये है कि उनके पास वैसे पावर हिटर्स नहीं है जैसे भारत के पास फिर भी है, ऋषभ हो गए, हार्दिक हो गए, लेकिन इनके पास वैसे पावर हिटर्स नहीं है। प्रिटोरियस थोड़ा हिट लगाते हैं अच्छा, नीचे जाके जॉर्ज लिंड की मैं बात कर रहा हूँ, उनका स्ट्राइक रेट है अच्छा, और सिर्फ तीन ऐसे प्लेयर हैं जिनका एवरेज 30 के ऊपर है और स्ट्राइक रेट भी 130 के ऊपर, जिनमें से वैंडर डूसेन एक है, मिलर है, डेविड मिलर और डीकॉक, और इन तीनों पे काफ़ी कुछ निर्भर करेगा। और नज़र ज़रूर रखिएगा रीजा हेनरिक्स के ऊपर, क्योंकि मुझे काफ़ी पसंद है वो बल्लेबाज। गेंदबाजी की जैसे मैंने कहा रबाडा और शमजी को हम जानते हैं, लेकिन ये जो हेनरिक नॉर ये हैं तेज गति से डालते हैं, इन पे भी नज़र रखिएगा। फिलहाल इतना ही, याद दिला दें कि भैया सब्सक्राइब कर लीजिए और वो बेल भी दबा दीजिएगा तो नोटिफिकेशन मिलते रहेगा आपको जैसे ही नया वीडियो आता है। और कमेंट, आप क्या सोचते हैं इस टीम के बारे में साउथ अफ्रीकन, अगर आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन हो प्लीज़ डू शेयर, आई वुड लव टू नो अबाउट इट, है ना। और बाकी का याद दिला दूं, साउथ अफ्रीका आज यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल मैं लेके आऊँगा इंडिया इंडियन टीम के ऊपर और मेरा प्लेइंग 11 क्या होगा, क्या केएल राहुल खेलेंगे या शिखर खेलेंगे रोहित के साथ, आज नहीं कल। फिलहाल इतना ही डी पॉइंट में। See you.